भाई शुक्र है, ये तो लोग भी बोलते भाई ये क्या कर रहा है। ओ ये क्या हो रहा है भाई? मालिश हो रही है ये अमूल बटर की। सर भी डल गए, प्याज भी डल गया। साउथ इंडियन के दीवानों को पसंद आएगा ये खुशबू। सांभर की जो आती है ना वो खुशबू आ रही है भाई। वो भाई मैं तो सिंगम बन गया हूँ सीरियसली। अभी बटर डाल चुके हैं, बटर डल गया है, उत्पम भी बन रहा है हमारा, और फिर हम करेंगे इसको टेस्ट। भाई ऐसी कटिंग तो मैंने पहली बार देखी है। ये कौन सा बटर है? अमूल बटर। अरे मनमीत है, खुशी देखो इसने क्या टपक रही है। साउथ इंडियन तो हेल्दी है, बंदा ब्रेकफास्ट में खा सकता है। क्या बात है, लुक एट दिस। ओए होए होए, इतने सारे डोसे लग रहे हैं मनमीत, सारे खा लेगा? ट्राई कर सकते हैं। टेस्ट करो सर, टेस्ट करो। तो लीजिए जनाब, आज हम आए हैं गुजरांवाला टाउन में, और बहुत सारे नॉर्थ इंडियन जो नॉर्थ दिल्ली के जो लोग हैं उन्होंने बोला साउथ इंडियन खाने के लिए। और साउथ इंडियन कहाँ मिलना है? गुजरांवाला टाउन में एक ही एक छोटा सा कार्ट है, रेडी जिसे बोलते हैं, आप देख सकते हो SR साउथ इंडियन। मसाला डोसा, उत्पम, वड़ा पाव, और सॉरी वड़ा सांभर और इडली सांभर, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ये है वो चीज़ जो लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पे पॉकेट फ्रेंडली है, 30, 40, 50, 60 यही रेट है, उससे ऊपर नहीं है। पहले पता कर लेते कितने रुपये का, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो चलिए एक बार देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है, कितने रुपये का है, कैसा टेस्ट है, चलिए। तो ये देखो जनाब, अब लग रहा है हमारा बढ़िया सा खाएंगे साउथ इंडियन, जो कि गुजरांवाला टाउन में बहुत फेमस है। और भैया लगा दो भैया मसाला डोसा बढ़िया सा। तो ये देखो भाई गया बैटर, अब एक साथ में लगा दो मसाला उत्पम, अपना वो अनियन उत्पम, दोनों चीज़ें खाएंगे। एक्चुअली तीनों चारों चीज़ें खाएंगे, एक इडली लेंगे, एक वड़ा लेंगे, और इनका सांभर टेस्ट करेंगे जिसके लिए काफ़ी फेमस है ये। ये देख भाई, ओ भाई, तो ये ऑयल डल रहा है। तो भैया कितने साल से लगा रखा है आपने यहाँ पे? कितने साल से लगा रहे हो ये? 10 साल से। 10 साल हो गए। आपका क्या नाम है? अलग मलाई है। अलग मलाई, अलग मलाई, ये नाम है? नाम है तो कोई मलाई वलाई लग रहा है। बोल रहे हैं क्या बात है भाई, साउथ इंडियन नाम है। तो वैसे आप कहाँ से हो? साउथ इंडियन से? क्या बात है। हाँ मसाला डोसा, बटर मसाला डोसा। तो ट्राई करते हैं यार, देखते हैं भाई, साउथ इंडियन वाले भैया हैं हमारे। ये कौन सा बटर है? अमूल बटर। अरे मनमीत है, खुशी देखो इसमें क्या टपक रही है। तो ये साउथ इंडियन डोसा बन रहा है हमारा, मज़ेदार। उत्पम भी बन रहा है हमारा। तो देखो एक तरीके से एक तरफ से पक चुका है। मनमीत कितना खुश हो रहा है अब मैं देख सकता हूँ उसकी खुशी। मनमीत पानी टपक रहा है मुझसे, ज़रा वो नीचे कुछ रख ले टिश्यू पेपर। बाल्टी लगाई हुई है, बात है। तो अभी इस पर आलू डलेगा, तो इसे कहते हैं बढ़िया सा साउथ इंडियन डोसा। देखो साइड से धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाएगा ये, अभी आलू लगाएंगे। ये भाई आलू डल गया है मसालेदार। तो ये बन गया जी हमारा क्रिस्पी वाला, जो किसे कहते हैं ना, जिसका आउटर पार्ट इतना क्रिस्पी होगा कि मज़ा आ जाएगा आपको खा के। ओह एकदम क्रिस्पी हो चुका है ज़्यादा ही। मसाला डोसा हमारा रेडी है, और सांभर डलेगा इसमें, और फिर हम करेंगे इसको टेस्ट। भाई ऐसी कटिंग तो मैंने पहली बार देखी है, बहुत बढ़िया। अब ये उसमें जाएगा और फिर सांभर डलते हैं। तो अब इस पर सांभर डलेगा, देखो भाई क्या बात है, लुक एट दिस। ओए होए होए, अब चलते हैं टेस्टिंग की तरफ, और अपना उत्पम भी देख लेते हैं। उत्पम भी हमारा रेडी हो गया। ओए होए, काफ़ी बढ़िया है और हेल्दी। साउथ इंडियन तो यार हेल्दी बोलूँगा मैं, ज़्यादा तो नहीं होता वो, इसमें ज़्यादा ऑयल वगैरह तो नहीं होगा। काट की तो ये सुबह 12:30 बजे आ जाते हैं, और रात के कितने बजे तक हुआ? 10 बजे तक, और सातों दिन आते हैं। लेकिन जो मंथ का लास्ट वेडनेस जो होता है उस दिन छुट्टी होती है। ये रहे हमारे भैया, कभी भी यहाँ पर आओ तो इनको पहचान लेना, नाम मैं इनका भूल गया हूँ। क्या नाम था? अलग मलाई। अलग मलाई, समझ गए ना। ये कौन सी चटनी है? टोमेटो वाली, और वो वाली वाइट वाली दिखाना एक बार। ये वाइट वाली चटनी है, थोड़ी सी वो डाल दो, ये सबसे फेवरेट तो मेरी ये है। ये रही इडली, और एक बड़ा दे दो।
अब सांभर डलेगा इसमें, वही गर्मा गर्म उबलता हुआ सांभर। टैग करो उस साउथ इंडियन दोस्त को जिसको साउथ इंडियन फूड बहुत पसंद है, और स्पेशली बाहर रोड साइड का। ओ भाई, तो ये देखिए जनाब, ये रहा हमारा सांभर भाई। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, टमाटर की चटनी है, वाइट वाली चटनी जो मुझे बहुत पसंद है और मैं एक्स्ट्रा लेता हूँ हर बार, और आज नहीं लूँगा क्योंकि तीन आइटम लिए, तीनों में ही चटनी भर के दी है। ये रहा हमारा वड़ा, एक बार तोड़ के दिखाता हूँ वड़ा। ये देखो, ओए होए, ऑयल नहीं है ज़्यादा, ज़्यादा ऑयल नहीं है। ये हमारी इडली, एंड दिस वन इज हमारा मसाला डोसा, बटर मसाला डोसा, क्रिस्पी है। बटर को इग्नोर नहीं कर सकता, बटर को मन्नी इग्नोर नहीं कर सकता। और ये रहा हमारा उत्पम, जो कि देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है, खाने में बताऊंगा कि कैसा है। तो पहले स्टार्ट करता हूँ मैं वड़े से, टेस्ट करूँगा, ज़्यादा नहीं ले सकता मैं, पहले एक ऐसे ही। बाकी बढ़िया, सांबर इज टू गुड, दिस इज बेटर देन सागर रत्ना सांबर, दिस इज बेटर देन सरवना भवन। टेस्ट है, अगर एक लोकल बंदे के हाथ में टेस्ट होता है, और भाई तमिलनाडु से है, कहाँ से बोला था, तमिलनाडु से। ये रे, ओए होए होए, उत्पम। अगर मैं रेट की बात करूं तो आपको रेट दिखा देता हूं। हमने बटर मसाला डोसा लिया था 70 रुपये का, 40 रुपये की ये इडली और उसका वड़े का कॉम्बो है, एंड अनियन उत्पम जो सा है, ये अनियन उत्पम कितने का है, 70 रुपये का। ये दोनों बहुत बढ़िया है, गुजरावाला टाउन यहाँ पे आना ज़रूर ट्राई करना। नटखट के जस्ट सामने है, विनायक हॉस्पिटल के पास है, नटखट के जस्ट सामने है, कभी भी यहाँ पर आए इसको ज़रूर ट्राई करें। सिंगम 1 भी आ गई, 2 भी आ गई, 3 आई है भाई, सिंगम 3। ये रहा, यहाँ पर आए आज हम खाने के लिए, इधर आए आज हम खाने के लिए। साउथ इंडियन कार्ट है छोटा सा, आप देख सकते हो, इट्स लाइक अ छोटा सा फूड कोर्ट, साउथ इंडियन फूड कोर्ट, जी हाँ साउथ इंडियन फूड कोर्ट। बट इसका नाम अगर आपको जोमेटो पे चाहिए ना तो जोमेटो पे मिलेगा, ये सिंगम साउथ इंडियन कॉर्नर, जी हाँ 40 सालों से लगा रहे हैं, जैसे कि मैंने भैया से बात किया था, भैया से दोबारा बात करेंगे एक बार, तो आओ ज़रा बात करते हैं आज। तो ये देखिए जनाब, ये देखिए जनाब, ये शुरुआत हो गई। ये सर कौन सा बन रहा है, ये पनीर वाला डोसा, क्या बात है, ये पनीर डोसा बन रहा है, उधर भी वेराइटी बन रही है, अकेला बंदा इतना सारे डोसे बना रहा है भाई, ये 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइम 7 डोसे बन रहे हैं। और ज़्यादातर इनका जो है सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा डोसा सर, मक्खन मसाला, और मक्खन कौन सा है, अमूल का। ओ माय गॉड, अपन बोल तो हम वही खाएंगे। ये देख सकते हैं आप, मक्खन की टिक्कियाँ पड़ी है उसके अंदर, और ये आ गया मक्खन। अब मेरे को देखना है कि ये मक्खन डलता कैसे है, या डाल चुकी हो, डाल चुकी है उस पर, कोई नहीं जब हम बनाएंगे तब आपको बताएंगे। पहले बाकी चीज़ें दिखा देता हूँ, यहाँ पर क्या क्या मिलता है और डोसे के अलावा, अच्छा साउथ इंडियन सारा वही इडली डोसा वड़ा उत्पम सब कुछ ही, पनीर ग्रेट हो गया। लुक एट दिस भाई, अगर आप भी वेजिटेरियन हो और साउथ इंडियन के दीवाने हो ना, तो रामलीला ग्राउंड के बाहर ही आपको पीछे ही आपको ये दिख जाएगा। और जो अगर बात करूँ मैं तो गोविंद से आगे चलते ही आपको ये शॉप मिल जाएगी, वॉकिंग डिस्टेंस, वॉकिंग डिस्टेंस है। अभी दुकान चेंज करने वाले हो, कब से? तो ये देखो भाई, और मैं आपको बता दूं कि एक हफ्ते तक ये यहाँ पर है, बाकी उसके सामने ही जो सी रोड है ना, ये सामने वाले रोड है मन्नी, इसके रामलीला ग्राउंड के जस्ट सामने ही इनकी शॉप आपको दिख जाएगी, और बोर्ड लगा हुआ दिख जाएगा सिंगम साउथ इंडियन कॉर्नर। ये देखो भाई, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा मेरे को, ये सांभर है, लुक एट द डोंगा, वाओ ये देख रहा है, खुशबू सांभर की जो आती है ना, वो खुशबू आ रही है भाई, वो भाई मैं तो सिंगम बन गया हूँ सीरियसली। अब ये किसी के लिए पैक कर रहे हैं सर, का सिंगम, ये नारियल वाली और हरी वाली मिक्स है, एंड ये इसी पर डाल दो, अच्छा भाई शुक्र है, ये तो लोग भी बोलते भाई ये क्या कर रहा है। और ये क्या है, ये टमाटर वाली,
ये टमाटर वाली चटनी है जी। जनाब हमने ऑर्डर दे दिया है मक्खन मसाला। जी हाँ, और मक्खन कौन सा आपको दिख गया है? ये टिक्किया भी पड़ी है नीचे, मक्खन मसाला। टाइमिंग क्या है आपकी, कितने बजे आते हो आप? 6 बजे से 11 बजे। 6 बजे से 11 बजे तक कोई छुट्टी नहीं मारते सातों दिन? हाँ। अच्छा जी, वाह बात है। इतने सारे डोसे लग रहे हैं, मनमीत सारे खा लेगा? ट्राई कर सकते हैं। तू कर सकता, मैं नहीं भाई, आई एम नॉट। इसे टोकन लेना पड़ता है, ये देख भाई किस अभी ऊपर भी ऊपर ये ग्रेट करी। ओ ये क्या हो रहा है, ये तो मालिश हो रही है भाई, ये मालिश हो रही है ये अमूल बटर की स्पार टाइम भाई। ये भैया तो वो है, क्या कहते हैं, अमूल मैन ऑफ इंडिया। ओ वल्ली, वो लास्ट वाला 13 दिन से सारे पड़ा मक्खन भाई। अब तो अमूल के दीवाने यहाँ पे आने के लिए रेडी हो जाओ भाई। आपको दिख गया है 100 ग्राम की टिक्की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब कि आई थिंक इट्स 80 ग्राम्स या 75 ग्राम्स पर डोसा। एक बटर डाल दिया है, 75 ग्राम डोसा डाल बटर डाला है एक पे, क्या बात है। और हम बनवा रहे हैं कौन सा, अमूल अमूल मसाला इसका नाम है। इंग्रेडिएंट देखो, अब ये मटर पड़े हैं, प्याज पड़ा है, वो चटनी है उनकी। जनाब डोसे लगना शुरू हो चुके हैं और ये लग रहा है हमारा मक्खन मसाला। ये मसाला है आलू वाला, ये किसका है? 180। ये बिना प्याज का, तो बिना प्याज का भी डोसा मिलता है? ये तो भैया का है। तो भैया आप जोमेटो वगैरह भी हो? जोमेटो पे भी डिलीवरी है और स्विगी? नहीं अभी चालू नहीं है। जोमेटो पे है, जोमेटो पे भी है। अगर आप गीता कॉलोनी रहते हो देन यू कैन ऑर्डर घर बैठे बैठे ही। मटर भी डल गए, प्याज भी डल गया, साउथ इंडियन के दीवानों को पसंद आएगा ये। और खुशबू फ्लेवर बहुत अच्छा है। ये डल गया जी पनीर। ओए होए होए, सबसे ज़्यादा डिमांड कौन से डोसे की होती है? मक्खन मसाला। वो देख पन्नी, डिमांड बढ़ गई है तो दूसरा तवा भी ऑन हो गया भाई। सारा आप अकेले ही करते हो, डोसे बनाते हो? बहुत बढ़िया। इसमें बटर शुरू में ही लगा दिया था, क्रिस्पी, सुपर क्रिस्पी। आवाज़ सुन रहा है, सुपर क्रिस्पी, क्या बात है। लुक एट दिस, यहीं पर ही दे देना खाने के लिए। ओह हो, कटिंग भाई, कोई है साउथ इंडियन दीवाना तो जल्दी से उसको टैग करो, ये वीडियो उसके साथ शेयर करो और सारे वेजिटेरियन दोस्त यहाँ पर आके एंजॉय कर सकते हो। ये लग गई थाली, थाली बड़ी क्यूट है, इसके अंदर चटनी वटनी सब आ जाएगी। मैन अमूल, अमूल मैन ऑफ इंडिया। पूरे डोसों पे लग जाएगी, टोटल 6 डोसे इस तवे पे और 6 डोसों पे पूरी 100 ग्राम की टिक्की ख़त्म है ना। बढ़िया भैया को भी दिखा देगा द मैन ऑफ अमूल बटर, अमूल इंडिया। सर एक प्लेट टेस्ट करने के लिए दे दीजिए। यहाँ पे चटनी ये हरी वाली और कोकोनट मिक्स है, ये टोमेटो वाली है, बहुत बढ़िया। और अब डलेगा सांभर। इसकी कितने रुपये कीमत है मक्खन मसाले की? आंटी कितने रुपये खाते हैं ये मक्खन मसाला डोसा? 70 रुपये। 70 रुपये है, बढ़िया, खूब मज़ेदार। ये लीजिए जनाब, हमारी प्लेट आ चुकी है साउथ इंडियन की। सांभर है, चटनी है, ये एक ही तरह की चटनी है। एक कटोरी खाली थी तो इसलिए डलवा लिया दोबारा। और ये इनकी हरी वाली और कोकोनट मिक्स है, और ये है मक्खन मसाला। पानी का बोतल भी आ गया हमारा, क्या बात है। और ये हमारे भाई साहब, क्या नाम है आपको भैया? अभिषेक शर्मा। अभिषेक जी, और ये भाई ने मैसेज किया था हमारे को, फिल्म मिलना चाहता हूँ। 11:30 बजे रात को, 11:30 बजे। और आप फरीदाबाद से आ रहे हैं? वन ऑफ द बिगेस्ट फैन। अरे थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप सर प्लीज टेस्ट करके बताओ। आप मैं ले रहा हूँ, टेस्ट तो करो, टेस्ट करो सर, टेस्ट करो। ओ माई गॉड, और भी आ गए हैं लोग। आओ सर, आ जाओ, टेस्ट तो करो। उसको समझ में आ गया एक्चुअली। बढ़िया बढ़िया, Awesome. कोयम्बटूर में मैंने खाया था, उससे भी बेस्ट। क्या बात है भाई, उससे भी बेस्ट। बट टेस्ट तो वाकई बहुत बढ़िया फील है। चटनी कितनी बढ़िया है यार ये वाली, ऐसी चटनी नहीं मिलेगी आपको।
साउथ इंडियन फ्लेवर आ रहा। आप गीता कॉलोनी में रहते हो, सिंगम साउथ इंडियन कॉर्नर के नाम से है, आप सर्च कर सकते हो। छोटी सी छोटा सा कार्ट है, बट इनकी जो शॉप है ना वो उधर जा रही है सामने, इस रोड के राइट साइड में, रामलीला ग्राउंड के जस्ट बैक साइड, रामलीला ग्राउंड के जस्ट सामने आपको दिख जाएगी जब भी आप इस गली में एंटर करोगे। और तो और शॉप लेंगे तो बोर्ड लगाएंगे तो आपको नज़र आ ही जाएगा, नहीं तो आप जोमेटो पे सर्च करके आ सकते हो। अगर ये नहीं मिलेगा हमारे वीडियो पे तो आप समझ लेना कि वो रही शॉप। प्याज भी है, मटर भी है, ये पकड़ा लास्ट बाइट, ये डाला हमने चटनी। भाई सांभर खाया ही नहीं मैंने इतना, क्योंकि डोसे का और चटनी का फ्लेवर इतना तगड़ा है, चटनी इज वेरी ऑसम कि सांभर टच ही नहीं है भाई, तो कमाल ही है एकदम लाजवाब। आप सांभर मांगोगे ही नहीं, कहते ना शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वाली फीलिंग। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, थैंक यू।